हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक जॉब का अपडेट बताने वाला हूँ। जी हाँ, जेपीएससी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। आपको बता दें कि बड़े बड़े अफसरों के पद पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसमें ग्रेजुएशन पास वाले लोग आवेदन को कर सकेंगे। तो यहाँ पर ए ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई है जेपीएससी की तरफ से, और बहुत दिनों बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है ये वैकेंसी निकल कर आई है। तो आप में से कितने लोग ग्रेजुएशन पास है नीचे कमेंट करके बताइएगा, और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए पूरी प्रक्रिया बताते हैं, कैसे आवेदन को करना है, क्या फीस लगेगा, एज लिमिट क्या होगा, पूरी प्रक्रिया यहां पर देख लेते हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इसका फाइनल एडवर्टाइजमेंट निकल कर आ चुका है, झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची। तो यहां से यह वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसमें आपको बता दें कि यहां पर लगभग बड़े बड़े अफसरों पर ए ग्रेड की वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें आपको यहां पर हम बता देते थे कि सबसे पहले आपको यहां पर पोस्ट का नाम हम बता देते हैं। देखिए पे उप समाहर्ता प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के तरफ से यहां पे वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें उप समाहर्ता का भर्ती का अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें आपको बता दे कि यहां पर देख सकते हैं टोटल 82 सीट है, और इसमें सेकंड नंबर में सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक, तो इसका भी वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें आप देख सकते हैं पदाधिकारी विशेष पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग में वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 65 सीटों पर यह वैकेंसी निकल कर आती है। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं तीसरा यहां पर विभाग का नाम है झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 स्कूली शिक्षा एवं सक्षरता विभाग की तरफ से यह वैकेंसी निकल कर आई है। उसके बाद देखिए नियोजन पदाधिकारी का भी यहां पर वैकेंसी निकल कर आया है, जिला नियोजन पदाधिकारी स्वयं नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से भी निकल कर आया है। उसके बाद देख सकते हैं इसमें 7 है, और पुलिस अधीक्षक का भी यहां पर वैकेंसी निकल कर आया है, गृह एवं कारा आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से 40 वैकेंसी निकल कर आया है। उसके बाद देखिए जिला समादेष्टा गृह रक्षा का भी यहां पर वैकेंसी निकल कर आया है, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया, इसमें 40 पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया है। पुलिस अधीक्षक में 40 है और जिला समादेष्टा में 16 है। सहायक योजना पदाधिकारी का भी यहां पर वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें 18 वैकेंसी निकल कर आया। तो टोटल यहां पर देख सकते हैं 267 वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें कैटेगरी वाइज यहां पर जो है ये सीटें बांट दी गई है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, और आप अगर कोई भी कैटेगरी में आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर एसटीएससी ओबीसी, तो देख सकते हैं यहां पर जो भी आप पोस्ट भरेंगे तो उस प्रकार यहां पे बनाया गया सीट। तो इस अनुसार आप देख करके जो है आप अपने से समझ लीजिएगा, उस प्रकार जो है आप आवेदन को कर सकते हैं। फॉर्म को भरना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको वेतनमान क्या मिलेगा देख सकते हैं, पुलिस अधीक्षक में देख सकते हैं 34,000 तक यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, 9300 से लेकर 34,800, तो प्लस 5400 ग्रेड पे है। तो इसी प्रकार यहाँ पे सारे में आप देख सकते हैं 34,800 से लेकर ग्रेड पे यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन इसमें जो क्या है वो आपको बता देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी विषय के साथ आपका यहाँ पर स्नातक पास होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएशन पास है आर्ट्स साइंस कॉमर्स तो आप आवेदन को कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं उम्र सीमा की बात कर ले तो 1/8/2019 के अनुसार आप देख सकते हैं उम्र की गणना कम से कम आपका मिनिमम में 1/8/2019 के अनुसार लिया जाएगा, और मैक्सिमम में 1/8/2011 के अनुसार यहाँ पे आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इस प्रकार बताया गया है। अगर आप जनरल में भर रहे हैं तो 35 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40 है, और यहाँ पर ओबीसी के लिए 37 है। तो इस प्रकार आपको आवेदन को कर देना है, और आवेदन को करना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार आवेदन को करना है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आरक्षण का लाभ जो है यहाँ पर झारखंड राज्य के लोग अगर है तो आपको आवेदन करने पर आरक्षण दिया जाएगा, अगर आप अदर स्टेट से आवेदन को कर रहे हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आपको आवेदन को करना है। आवेदन को करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना होगा, आपको jpscgovernment.in में जाकर आवेदन को करना है। और इस प्रकार आपको बता देते हैं कि यहां पर फीस वगैरह क्या लगने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो मैं बनाऊं किस तरह से आपको आवेदन करना है तो इसका कमेंट करके आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर जो है कॉल करके पूरी जानकारी पूरी प्रक्रिया ले सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना होगा हम आपको बता देते हैं।
फॉर्म को भरने के लिए मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जन्म का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, अगर दिव्यांग का प्रमाण पत्र अगर पीडब्ल्यूडी में आते तो वो सभी आप सारे डिटेल दे सकते हैं। उसके अलावा एक फोटो चाहिए और आपको इसके वेबसाइट में जाकर जो है आवेदन को कर लेना है। और अगर आप इसमें सिग्नेचर करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्लॉक लेटर में आपको सिग्नेचर को करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आवेदन के लिए करने के लिए पूरी प्रक्रिया बताई गई है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस आवेदन को करने के लिए इसका स्टार्टिंग डेट जो बताया गया है 1 मार्च 2020 से लेकर 30 मार्च 2020 शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन के माध्यम से इसका आवेदन को कर सकते हैं। और इसका पेमेंट आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2020 तक जो है आप इसका पेमेंट को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सारी जानकारी सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दे। इसी तरह का खबर अपडेट न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस आज के लिए इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।